अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पिछले चंद माह से कुछ ऐसा तर्ज सियासत है कि लगता यह है कि पूरे मुल्क में एक फसाद वाली कैफियत है। वैसे तो आप 2014 के धरने से शुरू करें तो तर्ज सियासत कुछ ऐसा ही था, चोर डाकू मोदी का यार, इससे आगे बात बढ़ती नहीं थी। लेकिन फ़ौज को खुलेआम कभी किसी ने मीर जाफर मीर सादक इस तरह नहीं था कहा जिस तरह इमरान खान आजकल कह रहे हैं। और ये फसाद वाली एक नई कैफियत इस तरह है कि मुल्क के अंदर अगर किसी को अरब स्प्रिंग के वाक़यात याद हों तो क्योटिक सीन पैदा करने के लिए, अनार्की पैदा करने के लिए सबसे बेहतर मॉडल ये होता है कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर टकराव वाली कैफियत पैदा हो जाए। फ़ौज के आप सरबराह को कह रहे हो कि ये मीर जाफर हैं या मीर सादक हैं, इन्होंने गैर मुल्की साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिरा दी, ये बताए बगैर कि अपनी हुकूमत बनी कैसे थी और जाने की वजूहत क्या थी। 2014 में धरने के पीछे कौन सी फोर्सेस कारफरमा थी, नवाज शरीफ को जब वो अकाउंट रिसीवेबल पर डिसक्वालीफाई किया गया तो कैसे किया गया। 2018 में जब वो सात इतिहादी बने थे जिनको जहांगीर तरीन जहाज में बिठा कर लाए थे, वो कैसे आए थे, तो वैसे जाने भी थे जैसे आए थे। लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है फ़ौज के मतलब उसके ऊपर ज़ाती तौर पर मुझे इतफाक़ नहीं। मैं कभी नहीं चाहता कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करे, मैं हमेशा सख्त मुखालिफ हूँ किसी भी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का, ऑन एयर बैठ के कहता हूँ। जनरल कियानी के वक्त भी कहा था, जनरल बाजवा के वक्त भी कहा था कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी एज इंस्टीट्यूशन मजबूत होता है जब एक रूल बेस्ड सिस्टम के तहत नया चीफ आता है, उसकी तैनाती होती है, पहले वाले इज्जत के साथ रिटायर होते हैं, घर चले जाते हैं। बड़ी तगड़ी पावरफुल आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है, जहाँ तरक्की का भी एक बाकायदा मेयार है। कौन सा बंदा ऊपर तक पहुंचता है लेफ्टिनेंट जनरल तक, एक बड़ी वो छलनी है जिसमें से आप परफॉर्मेंस के ऊपर, मेरिट के ऊपर गुजरते 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 वो 10-20 बंदे यहाँ तक आते हैं, जिनमें से किसी एक की किस्मत जिसको अल्लाह ने लिखा होता है वो आर्मी चीफ बनता है, तो उसको 3 साल के बाद चले जाना चाहिए। लेकिन कभी उस शख्स के लिए ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए कि उसकी आप कमांड चैलेंज करें, जैसे शहबाज़ गिल ने की, उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप फ़ौज के एक जवान को, अफसर को, ब्रिगेडियर को, मेजर को ये बोलें कि अपने चीफ की बात ना मानो तो वो फ़ौज फ़ौज नहीं रहती। फ़ौज की कमान एक होती है, एक फर्देवाद की कमान के ऊपर लड़ती है, तो तभी वो बेटा जाता है इस कौम का और अपनी जान कुर्बान करता है, वैसे कर ही नहीं सकता, उसी कमान के ऊपर करता है, उसको लबैक कहता है, उसको यकीन होता है कि मेरे कमांडर इन चीफ ने जो बात बोली, आर्मी चीफ ने मेरे जो हुक्म दिया, इसी के ऊपर जान देनी है और पाकिस्तान का तहफ़ करना, उसमें आप तकसीम नहीं करते और ना उसकी लॉयल्टी के ऊपर आप शुबे का इजहार करते हैं, उसकी हुब्बुल वतनी के ऊपर आप शुबे का इजहार नहीं करते, उसको ये नहीं करते कि हुब्बुल वतन आएगा मेरिट के ऊपर आएगा तो फिर वो सही फैसला करेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेगा। माजी के अंदर हमने इनसे इंटरव्यू किया तो नवाज शरीफ के ऊपर ये नाम लेकर तंकीद करते थे कि इनकी किसी से बनी नहीं, और ये बात गलत नहीं था, वो कहते वहीद काकड़ से, आसिफ नवाज से, जहांगीर करामत से, जनरल मुशर्रफ से, राहील शरीफ से, किसी जनरल बाजवा से, किसी एक से, जिनकी सबकी अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ ने की थी, किसी एक से उनकी बनी नहीं। तो इमरान खान की लॉजिक बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो कहते थे कि ये करप्शन में मुलव्वस है इसलिए इनका मसला होता था, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं इसलिए मेरी तो हुई नहीं, जनरल बाजवा से इसलिए तल्लुकात बहुत अच्छे दिखाई। क्या माजी में अगर कोई गलतियाँ हुई, किसी आर्मी चीफ ने गलती की, तो क्या हमेशा के लिए सारी आर्मी को बुरा भला कहना? जनरल आसिफ जंजुआ थे, उनसे प्रॉब्लम आया, फिर इसका प्रॉब्लम आया, खुद ही इसने सुपरसीड करके जनरल मुशर्रफ को लिया, उसके साथ प्रॉब्लम आया, फिर जनरल रहील को लेके आया, उसका प्रॉब्लम, फिर जनरल इन्होंने ही सिलेक्ट किया था जनरल बाजवा को, इनसे प्रॉब्लम आया, इनको प्रॉब्लम आता क्यों है? सवाल तो ये पूछे, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ, इनको क्यों प्रॉब्लम है? मसला नदीम एक ही है, ये आते हैं चोरी करने के लिए, ये सारा वक्त फौज को बुरा भला कहते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान ने, शहबाज़ गिल ने, फवाद चौधरी ने, इन सब ने ऐसे बयानात क्यों दिए? एक उसका मकसद एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत है जो आम तौर पर आपको पॉपुलैरिटी देती है, लेकिन तफरके की तरफ, अगर फसाद की तरफ वो सियासत ले जाए तो फिर वो सियासत नहीं रहती, उससे गुरेज करना चाहिए। दूसरा, फ़ौज को आप दबाव में रखना चाहते हैं कि आपके स्टेक्स जो हैं वो बहुत हाई रहें, आप इलेक्शन कमिश्नर लगवाना चाहें तो उसमें आपसे पूछा जाए, जजेस की तैनाती आए तो उससे राय ली जाए, नए आर्मी चीफ की तैनाती जो आइनी तरीक़ाकार है उसमें रोल नहीं है इमरान खान का, वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, तो आप ये भी चाहेंगे कि आपसे उस वक्त भी मशावरत चाहे अनऑफिशियली कर ली जाए, आपकी बात सुन ली जाए, एक पर्पज़ तो ये हो सकता है। दूसरा मकसद इसका वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये है कि शायद जिनकी नेक्स्ट इन लाइन अपॉइंटमेंट ड्यू है उनका आप रोल मुतनाज़ा बना दें, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उन सारों से इन महरकात के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद के साथ हैं पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और जनरल रज़ा खान है मारूफ डिफेंस एनलिस्ट है। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगा, बयान बहुत सख्त आए, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत में आपकी जमात बड़ी आगे आगे रही, नाम लेकर आप कहते थे जनरल बाजवा आप जिम्मेदार हैं और जनरल फैज़ आप जिम्मेदार हैं, क्या
क्या फर्क आपको नजर आता है आपकी और इन वाली सियासत में? एक तो उस वक्त भी हम एक चीज याद दिलाते थे, और मैं अभी भी याद दिला दूं, कभी आप प्रोग्राम जरूर करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इमरान खान को समझने के लिए। ये 2011 में अक्टूबर में जब इनका लाहौर का जलसा हुआ है ना, जब इनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, उससे पहले का आप पीरियड उठा के देख लें, इन्होंने इतने संगीन इल्ज़ाम फौज पर लगाए, इंडिया में बैठ के लगाए, ISI का नाम लेके लगा, इंडिया में बैठ के TV प्रोग्राम्स में बैठ के ये कहा। सो ये इन्होंने तो एकदम से, वो कहते हैं ना, बॉर्न अगेन मुस्लिम हो गए थे, अपने आप को वो शो कर रहे थे कि जी मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, हालांकि ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से कि जी इन्होंने जेनोसाइड किया पाकिस्तान ने, बार बार अब दोबारा कहना चाहिए जी जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि यहाँ क्या हमारी फौज ने किया था, मतलब ही हैज़ गॉन ऑन टू डिफेंड मुजीबुर रहमान, ही इज़ गॉन ऑन टू डिफेंड इंडिया, इंडिया इज़ गॉन ऑन टू डिफेंड एवरीथिंग, बट ब्लेम द जनरल्स उस वक्त के कि जी उन्होंने जाके ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड किया था, लोगों को मारा था। फिर 2012 में इसने कहा कि आज भी 2010 में सॉरी दो आज भी ये फाटा में और हमारे ट्राइबल एरियाज में बम्बारी करते हैं और लोगों को मार रहे हैं। सो ये जो इसका एक स्टांस है, ये समझता है कि बाय फोर्सिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ये शायद फौज से वो लेगा अपने लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट दबाव में डाल के। अब ये समझते हैं कि जी अगर नवाज शरीफ ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की थी तो, और वो फिर सक्सेसफुल हो गए, तो मैं अगर करूँगा तो मैं क्यों नहीं होऊंगा, that's what I think, that's what in his mind. But एक हर चीज़ का एक सेंस होता है, हर चीज़ की एक चीज़ होती है। हम समझते थे कि 2018 में we have been undone electorally, और हमने कहा, बिलावल ने बल्कि इजाद किया, इन्वेंट किया ये नाम सेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड जब आप किसी को सेलेक्टेड कहते हैं तो कोई सेलेक्टर भी होते हैं ना, तो आप ये तो नहीं कह सकते, तो हमारे से भी आप भी बैठ के बुछाड़ करते थे सवालों की जी सेलेक्टर कौन है और ये कौन है वो कौन है। हम उसका आप एक तो उस हमेशा एक दायरे में रह के, जब मियां नवाज शरीफ ने कहा भी था तो मियां नवाज शरीफ ने बड़े अदब के साथ के आपको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा, नाम लेकर बोला था आर्मी चीफ और DGSI का, ये कहा था ना कि आपको ये जो आज हो रहा है आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब बात ये कि ये तो वो विशियसली अटैक कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हर चीज़ की जड़, हर चीज़ का प्रॉब्लम जो है वो वहाँ से शुरू होता है, पिंडी से, और वहीं से एंड होता है, और उसको मैंने तबाह बर्बाद करना है, कभी शहबाज गिल के थ्रू, कभी फवाद चौधरी के थ्रू, और अपने आप की तो जबान पर कोई कंट्रोल है ही नहीं, पता हर रोज़। लेकिन मैं फिर भी मुझे नहीं पता कि इन्होंने जानबूझ के कहा था कल या नहीं कहा था, इज नो मोर नॉर्मल आमल आफ्टर कमिंग आउट ऑफ पावर। ये वो समझ रहे थे कि ये मेरे लिए पावर पक्की है 2028 2033। पलुशा का इससे इतवाक नहीं है, पलुशा से भी पूछ लें, पलुशा आपका क्या ख्याल है, आपकी राय क्या है, ये क्या हुआ है कल? और ये कल पहला दिन नहीं है, ये 72 से 3-4 माह देखिए पहला दिन कल तो है ही नहीं। आपको याद होगा, प्लीज़ करेक्ट मी, मैं डेट निकाल रही थी, 2009 था शायद, लंदन के अखबार में खबर छपी थी कि वहाँ गुलविच में एक कोर्ट में इमरान खान साहब ने टेस्टिफाई किया था ब्राह्मदाग बुकटी और शायद फैज़ बलोच के। जी बिल्कुल। आपको अगर मैं वो स्टेटमेंट पढ़ के सुना दूँ जो उन्होंने उस वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ दी थी कि वो अपने मुल्क में किस किस्म के जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो आपका ये शो बंद हो जाए। उधर से लेकर आज तक मुझे बताइए कि इतनी कंसेशंस, क्या इस मुल्क में ऐसा कोई पॉलिटिकल शख्स है जो किसी और मुल्क की अदालत में अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसी जो है शहादत दे आए और फिर इस मुल्क का आकर वज़ीर आज़म बन जाए और रहे? मैं बिल्कुल नहीं समझती, ये कहना आसान है कि वो मखबूतुल हवास है, हरकतें उनकी ऐसी ही हैं, लेकिन वो बिल्कुल मखबूतुल हवास नहीं है, ये बिल्कुल एक सोची समझी एक तरकीब है। और क्यों लगता है कि सोची समझी, आप इस पे कन्विंस? मैं कड़ियाँ जुड़वाती हूँ ना आपको, आप शुरू हो जाएं, वहाँ से शुरू हो जाएं, उसके बाद पे दर पे आप देखिए, अभी चलें पिछले दिनों में आ जाएं, इतनी देर दूर ना जाएं, जो ये बयानात देते रहे, फिर जो मीटिंग्स इनके बनी गाला में हुई जिसके बाद शहबाज गिल ने बयान दिया, फिर जो शौकत तरीन ने वो भी एक मीटिंग के
बात शौकत तरीन साहब ने बयान दिए, मौशी तौर पे पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश की। मैं उनको अभी भी ये नहीं कह रही कि वो कोई आप उन्हें आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं समझती, आप समझती हैं इंटरलिंक्ड है। हम क्या मतलब कुछ पागल हैं कि हम ये सारे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स अगर ऐसे हमसे होते तो वो हमारे बड़े तो कहीं खैर दफन होते, हम लोग भी यहाँ उल्टे लटके होते कहीं, जो बोलते हैं उनके हक में। बात ये नहीं है, बात यह है कि ये सब एक बिल्कुल सोची समझी साजिश है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर न्यूट्रल हो जाए चौकीदार तो फिर क्या हो, तो इनसे अगर ये पूछना भी तो हक बनता है कि अगर घर में बैठा हुआ मालिक जो है वो असल में चोर हो और वो घर पे कब्जा करके बैठा हो तो फिर क्या होता है, फिर क्या करना चाहिए भाई? जिस कश्ती का मल्ला उसमें सुराख कर रहा हो तो फिर क्या करे वो, क्या करना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि अब हमारा भी अपने इदारों से एक सवाल है, एजेंसी से, ये तो रोज़ करता है ना, हम भी करते हैं कि अब इस बात का खुरा तो लगा के बता दें कि ये कहाँ से आए, इसको कौन लाया है, इसको पालने पोसने में, इसको दूध पिलाने में, इसको प्रोटेक्शन देने में, जो जो इसका मुर्तकिब हुआ है उनके खिलाफ एक जामिया इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये खुरे कहाँ से मिलते हैं जाके। आखिर कोई थ्रेशोल्ड है? आप जितनी लकीरें, सुरख लकीरें खींचेंगे उनको फांदेंगे, आखिरी लकीर भी आपको फांद के। आपके ख्याल में फौज को ये काम करना चाहिए कि 2014 का धरने से शुरू कर लें, इन्वेस्टिगेट करें 2011। मैं एक सिर्फ ऐड करना चाहता हूं, जनरल दादा से पूछते हैं। नहीं, एक मिनट बोलो। देखिए, इमरान खान वाज इन पॉलिटिक्स सिंस 1996, ही वाज ऑलरेडी फेमस ना क्रिकेट और शौकत खानम के लिहाज से। 97 के इलेक्शन में बिल्कुल डेसिमेट हो गए। 2002 में भी 2002 में एक सीट वो भी मुशरफ साहब ने दिलवाई थी। 2008 में कुछ भी नहीं होना था तो लास्ट मिनट पर बॉयकट कर दिया। मतलब एक ऐसा शख्स सडनली 2011 में इतना पॉपुलर हो जाता है, इतना पॉपुलर हो जाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आपके ख्याल में कैसे हुआ? मसीहा बन गया, उठाया गया ना, जबरदस्ती बनाया गया। कौन था पीछे उसके? यही तो कह रही, इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बड़ा मुश्किल होता है ये सवाल किसी से पूछना और लाइव टीवी पे पूछना, लेकिन बाज़ूकात मेरा दिल चाहता है कि ये चीजें कभी कोई तो रेड लाइन लगाई जाए ना, कि ये रेड लाइन है बस, हमने कह दिया अब सियासत में नहीं आएंगे, लेकिन माजी की गलतियों की सलाह करने के लिए कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, किसने क्या मिस्टेक की। क्या हम ये जान सकते हैं कभी कि 2014 में शुजा नवाज़ ने अपनी किताब में जिन चीज़ों का तस्करा किया, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? लोगों को सच्चाई बताई जा सकती है या नहीं बताई जा सकती? देखें, कोई भी पॉलिटिकल राइटर जो है वो जब किताब लिखता है तो ठीक है, उसका अपना एक व्यू पॉइंट है और उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं शुरू करना चाहूँगा, जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जब कामयाब हुई तो उसके बाद से जो चेन ऑफ इवेंट चला है पाकिस्तान में वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है। सारी दुनिया में देखें, जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट है वो एक जमहूरी अमल का हिस्सा है, और अगर कोई बरसर इक्तदार हुकूमत होती है, हार जाती है, तो अपोजिशन में बैठ जाती है और असम्बलियों के अंदर जो है वो कोशिश ये करती है कि लीगली दोबारा पावर आने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने तकरीबन तमाम इदारों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए, खसूसन पाकिस्तान के ऊपर, और एक बयान उनका जो था वो बहुत ही मेरे ख्याल में इमेच्योर और ख़तरनाक बयान ये था कि अगर PTI के अलावा पाकिस्तान में किसी और की हुकूमत होती है तो इससे बेहतर है कि पाकिस्तान के ऊपर खुदा ना खास्ता एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाए। देखिए, इमरान खान साहब जो है वो नेशनल कमांड अथॉरिटी के चेयरपर्सन रहे हैं, और इस तरह का जो बयान है ये बहुत ही गैर संजीदा बयान रहा है, और मेरे ख्याल में उसको उनको इज्तनाब करना चाहिए था। और होता क्या है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हार जाती हैं NCM के बाद तो अपने कमजोरियों के बारे में का जिक्र किया अप्रैल के महीने में, जहां से इमरान ने 27 मार्च को वो बयानिया शुरू किया था गैर मुल्की साजिश का। लेकिन अगर ये अदम एतमाद इमरान के बकौल नॉर्मल पॉलिटिकल प्रैक्टिस से हटके थी, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, तो फिर हमें 2018 में उनकी हुकूमत साजी में ये जो उनके अथादी बने थे उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर नज़र डालनी चाहिए। हमें कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इमरान की हुकूमत आई कैसे थी और गई कैसे थी।
गैर मुल्की साजिश के बयानिए के ऊपर तो मुझे इतफाक नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रोल जिसको वो बार बार टारगेट करते हैं, नाम लेकर चीफ को टारगेट करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। 2018 में उनकी हुकूमत साजी में मदद दी गई, 2-4 साल उनको दौरे इकदार में मदद दी गई, तो हमें इसको समझना चाहिए कि क्यों ऐसा किया गया। देखिए बात यह कि जो अफवाज पाकिस्तान की जो ओथ है, ओथ ऑफ एलिजियंस जो है वो पाकिस्तानी स्टेट के साथ है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट आती है तो फिर आईन और कानून के मुताबिक उसको सपोर्ट करना अफवाज पाकिस्तान की एक ड्यूटी बनती है। और अब अफवाज पाकिस्तान ने इतना ही किया, ना उससे ज़्यादा किया ना उससे कम किया। बदकिस्मती से मेरे ख्याल में ना सिर्फ अभी बल्कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जो पार्टियां जो है वो हार जाती है इलेक्शन में तो वो ब्लेम करती है अफवाज पाकिस्तान को। अमेरिका में भी ऐसा होता रहा है, आपने देखा था कि 2021 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप हार गए थे तो उन्होंने वो इलेक्शन के रिजल्ट जो बयान है जो मीर जाफर और मीर सादक से शुरू हुआ इमरान खान का, और कल उन्होंने हुबुल वतनी को क्वेश्चन किया, फिर मेरिट को भी क्वेश्चन किया, फिर ये भी क्वेश्चन किया कि किसका फेवरेट आएगा, इसके ऊपर जो रिएक्शन कैसे रिटायर्ड लोगों से मैं कुछ से जान सकता हूँ आसानी के साथ, सर्विंग सारे जनरल से मैं उनका रिएक्शन नहीं ले सकता, लेकिन आप बीइंग ए फॉर्मर जनरल बेहतर बता सकते हैं किस किस्म का रद्दअमल फौज के अंदर मौजूद है। देखिए बीइंग ए फॉर्मर कोर कमांडर मैं आपको बता दूँ कि जो पाकिस्तान आर्मी के 9 कोर कमांडर्स हैं हर एक की तकरीबन 38-39 ईयर्स की सर्विस होती है, ठीक है। और उन्होंने इसके दौरान जो है मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के साथ अपनी हुब्बुल वतनी और वफादारी के कई उन्होंने एग्जाम्पल दिए होते हैं। और मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिकल लीडर्स को उनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अगर इस तरह की बात हुई है तो वो गलत है। और इनकी जो आर्मी चीफ की सिलेक्शन है वो भी मेरिट और कॉम्पिटेंस इन दोनों चीज़ों के ऊपर होती है और वो सीनियरिटी को सर नहीं होती। कमांडर्स के अंदर अब रिएक्शन किस किस्म का है जनरल रजा, किस किस्म का रद्दअमल उनके अंदर पाया जाता है? वो कोर कमांडर जो इस वक्त सर्विंग है, जब उनसे हुबुल वतनी क्वेश्चन करें तो किस किस्म का रद्दअमल मौजूद है? हाँ, रद्दअमल की बात कर रहा हूँ कि ना सिर्फ कोर कमांडर बल्कि पूरी सीनियर लीडरशिप में जो सर्विंग अफवाज पाकिस्तान है उसमें रिएक्शन जो है वो बड़ा वायलेंट है कि इस किस्म की जो हमारी जो सिलेक्शन सिस्टम है ऑफ आर्मी चीफ को, अगर आप उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते हैं तो ये बहुत गलत बात है। और मेरे ख्याल में ये इसलिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान में जो इस तरह के डिफेमेशन लॉज हैं और आपने भी जिनका जिक्र किया वो बहुत कमज़ोर हैं या है ही नहीं, पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और पैका ऑर्डिनेंस जो 2022-2021 की आपने कहा कि बड़ा वॉयलेंट रिएक्शन है, ये बड़ा सख्त जुमला है जो आपने इस्तेमाल किया, वॉयलेंट रिएक्शन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट? देखिए वॉयलेंट रिएक्शन का मैं इसको एक्सप्लेन ये करता हूँ कि इस वक्त जब अफवाज पाकिस्तान सारी की सारी फौज तकरीबन 75% ऑफ द आर्मी वो डिप्लॉयड है फ्लड रिलीफ स्कीम्स में, और अब सिलेक्शन सिस्टम को अगर आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर रिएक्शन तो आएगा। और ना सिर्फ सर्विंग रैंक एंड फाइल की तरफ से बल्कि रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के, मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो सिवियर रिएक्शन पूरी पाकिस्तान की कौम की तरफ से आना चाहिए कि वो बार बार अफवाज को क्यों टारगेट कर रहे हैं, उनको अजीब अजीब नाम दे रहे हैं और उनको बार बार इस बात की दावत देते हैं कि वो बाकायदा तौर के ऊपर आएं और पॉलिटिक में मुदाखलत करें, लेकिन उनका तो कोई रोल नहीं है ना करप्शन के खात्मे के लिए ना कोई पॉलिटिकल रोल है। पहले अगर आपको याद हो तो एक नेशनल सिक्योरिटी कमिटी थी, उस नेशनल सिक्योरिटी कमिटी में अफवाज पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर इनकी जो है ये चाहते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हो तो पहले कर देते, उनको रोल दे देते, लेकिन वो कंसेंसस के मुताबिक होता है, वैसे नहीं होता कि अगर एक पार्टी कहे तो तब उसको रोल मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह के अरे अगर वो रोल देने की बात ही नहीं कर रहे जनरल रजा, वो तो उनकी इस वक्त हुब्बुल वतनी क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बहुत अपराइट जज हैं और बाज़ केसेस के अंदर उनकी ऑब्जर्वेशन मैं बार बार कोट करता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव उन्होंने किया।
आज भी उन्होंने जो अल्फाज चुने, उन्होंने कहा कि गेम ऑफ थ्रोन की खातिर सारा कुछ दांव पे लगा देंगे। ये अल्फाज काफ़ी समझने के लिए हैं, अगर अकल इस्तेमाल को बंदा कर सकता हो तो इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने केस में बराह रास्त रिलीफ दे सकते थे स्पीच के ऊपर पाबंदी का, फ्री स्पीच के वो हामी हैं। उन्होंने पैमरा की तरफ मार्क कर दिया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है रेगुलेट करने की ज़रूरत है, करें, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि इस मुल्क के अंदर आग लग जाए। ये सवालिया निशान है, मैं इसके ऊपर ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से वापसी पर और बात करते हैं। इमरान खान के बयानिए के अंदर एक बाकायदा वो भड़क भी मौजूद है और धमकी भी मौजूद है, और इसका आगाज़ जो था वो सबसे पहले अभी उनके आखिरी दिन थे वज़ारत उज़्मा के, उस वक्त उन्होंने कहना शुरू किया था कि अभी तो मैं अंदर बैठा हूँ, अगर मैं बाहर निकलाया जलसे जुलूस किए तो बहुत ख़तरनाक होऊंगा। सुनिएगा। एक खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ, मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। और ये दूसरा हिस्सा जो है वो भी बकायदा चैलेंज है, ललकार है, वो भी सुनवाइएगा। जितना आप मुझे द्वार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा, और ये ही ना हो जाए कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला है। मुझे उधर तक ना दिखेलो। आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो। दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखे कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जुबैर साहब, जो इमरान खान के बयान से आप अखज़ करें तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ साथ एक ऐसी ललकार दे रहे हैं जिसमें वो नौजवानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि यहाँ कोई साजिश बैठा हुआ है, मुल्क दुश्मन बैठा हुआ है जिसकी हुब्बे वतन को भी उन्होंने क्वेश्चन किया, उसके ख़िलाफ़ लड़ना है, बस अभी पाकिस्तान ये मुश्किल से निकल ले तो अभी लड़ना है उसके साथ। एंड रिज़ल्ट क्या होगा इसका? अच्छा, हुआ क्या कि 2018 और 2022 में फ़र्क क्या था? दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, एक बाप पार्टी और एक MQM, स्विच लॉयल्टीज़, ठीक है ना, और इनका तख्ता हो गया। PPP, PMLN, JUIF ने तो कभी इसमें कोई छुपाया नहीं था कि भाई हमारे पास 172 होंगे तो हम तख्ता कर देंगे, जो कि राइट भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाप और उनके ने साइड चेंज की और काफ तकसीम हो गई, काफ तकसीम हो गई, बट उनको कभी उसके उनके खिलाफ वैनम नहीं सुना आपने, कभी नहीं सुना। He has never ever accused them, जिनकी वजह से वोट ऑफ वोट कम के अंदर उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि उनकी हुकूमत वोट कैसे पूरे हुए थे, ये तो खुद उन्होंने अपने लफ्जों से कह दिया कि उनके वोट खुद से पूरे नहीं थे होते। नहीं 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 होते थे ना, मैं कह रहा हूँ अभी जो 2022 में हुआ तो दो पार्टीज जो इनके साथ इत्तेहादी थी वो दूसरी तरफ, अब उन्होंने वोट पूरे नहीं करके दिए, यही तो गुस्सा है, गुस्सा है वो। और जो इन्होंने एडमिट किया पब्लिकली एडमिट किया कि मेरी हुकूमत इतनी वल्नरेबल थी कि मुझे जब वोट चाहिए होते थे पार्लियामेंट में तो मैं एजेंसीज को कहता था, बिल्कुल ओपनली कहा है ना इसने, अब इनको छुपाया भी नहीं है। जब आप खुद ये काम करते थे, जब आपने खुद आउटसोर्स कर दी थी पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग द रनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, आउटसोर्स कर दी थी खुद इनके बकौल, तो फिर आप इतने गिले शिकवे क्यों कर रहे हैं? देखिए, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं कि आज वो दूसरी साइड के साथ क्यों है? हालांकि दूसरी साइड नहीं, ही हैज मेंटेन्ड कि दे हैव बिकम न्यूट्रल। अच्छा, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फर्स्ट टाइम इन्होंने न्यूट्रल का वर्ड यूज किया था एक जलसे में व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, जब इन्होंने कहा था न्यूट्रल जानवर होता है, सो ही वाज विशियसली अटैकिंग व्हाइल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो मेरा ख्याल है ये इट इज अ केस ऑफ क्या होगा, क्योंकि जो कुछ आप कह रहे हैं ये कोई जाम नहीं होता। मैं उस तरह से मजाक के तौर पर नहीं कहना, बट सम साइकेट्रिस्ट हैज टू कम कि व्हाई इज ही बिहेविंग द वे ही इज, इज दिस ऑल पॉलिटिकल सर, ये इज इट एंगर, इज इट आप इसको किसी और अंदाज से ले रहे हैं, लेकिन ये जो वायलेंट पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये वायलेंट पॉलिटिकल प्रोसेस है, बिकॉज़ डोंट फॉरगेट कि इट इज नॉट अ मैटर कि वो हमारा मुखालिफ है, इज़ अ पॉपुलर लीडर, और उसका ये बिहेवियर जो है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। पलशा, ये बड़ा सबसे बड़ा मसला, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त अगर आप कहें कि वो पॉपुलर नहीं है, लोग उसकी बात नहीं सुनते, तो ये झूठ होगा, लेकिन ये वायलेंट प्रोसेस है जिसकी तरफ वो लेके जा रहे हैं। ज़्यादा पॉपुलर
जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर है। जुल्फकार अली भुट्टो के साथ एंड में क्या हुआ था, आप ये चाहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो? जी मैं तो कुछ मेरे चाहने से तो क्या, मैं चाहूँ तो बहुत बहुत कुछ चाह सकती हूँ, लेकिन मेरा चाहा तो नहीं होता ना। लेकिन पॉपुलर क्या ऐसा ना हो क्योंकि वो अनफॉर्चुनेट डिसीजन था। अच्छा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर वो भी एक अनफॉर्चुनेट। अब आप देखिए जब वो एक्सीडेंट उनकी जब शहादत हुई लोगों ने वहां नारेबाजी की तो वहां से क्या नारा आया, जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खप्पे। उससे ज्यादा कौन सा ऐसा मौका होगा किसी आदमी की लाइफ में या किसी लीडर की जब वो इश्तेहार पैदा कर सकते हैं। मोहतरमा ने क्या किया जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, क्या मोहतरमा वगैरह पाकिस्तान के खिलाफ निकल पड़े? नहीं, लड़े, जेलों में रहे। बात ये साइकाइट्रिस्ट का केस नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इन्वेस्टिगेटर का केस है, किसी इन्वेस्टिगेटर के हवाले कीजिए और जो बेस्ट इन्वेस्टिगेटर हो पाकिस्तान में, कोई ऐसी एजेंसी जो सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेट, उनके हवाले कीजिए ये केस। ये आपको मैं इसको हम कह दें मखबूतुल हवास पागल है, दुख है इकतदार से बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। जो आता है सियासत में उसको पता है ये क्लॉक टिक करती है, कुछ अरसे बाद तो वैसे ही आउट हो जाता है। तो लिहाजा ये ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे आपको खुरे मिलेंगे बहुत जगह जाते। आपको लगता है डिजाइन है, ये ऐसे ही नहीं है, रिएक्शन नहीं है। आप समझते हैं ऐसे ही, मैं आपसे सवाल करती हूँ। मुझे लगता है समटाइम कि ये उनका एक स्पोकन स्टाइल बन गया, क्योंकि 2014 में वो इनको चोर डाकू कहते थे, अब ये इनको नहीं ललकार रहे तो अब किसी और को बता करना शुरू कर दिया कि उनको, तो फिर उनका बस चले तो वो शहबाज गिल को आर्मी चीफ लगा दें तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है। सब न्यूट्रल जो है वो भी अच्छी हैं, कोई जानवर नहीं है, कोई यजीद नहीं है, कोई मीर जाफर और मीर सादिक नहीं है। लिहाजा उनके जो स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक तो ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क में लीडर इनके साथ तो कुछ हुआ नहीं है, लीडरों की जाने आप और मैं क्या डिस्कस करेंगे, ये जेलों में गए हैं क्या नहीं हुआ? ये भी आंखों के सामने भुट्टो साहब के लिए लोगों ने फांसियां ली, कोड़े खाए, अपने आप को आग लगाई, ये क्या पॉपुलैरिटी की किस्म रात पे बैठे हैं कि ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें करें? जो जिस तरह का बयानिया इमरान खान दे रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया में मजायका नहीं होता, वो सियासत में पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन ये सिर्फ एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसमें एक फसाद वाली कैफियत है। आप कहें कि गैर मुल्की साजिश की माँ के ऊपर ऐसा कुछ किया, अमरीकी साजिश के तहत मीर जाफर ने ऐसा किया, तो ये कॉन्स्पिरेसी कैसी है जो लगता है कि पाकिस्तान दुश्मनी की है एक शख्स ने और मुझे उसके खिलाफ जिद्दोजहद, उसको जो जहाद का नाम वो खुद दे देते हैं, ये जहाद है, कब्रों में भी जाके अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। तो ये बड़ा लिथल कॉम्बिनेशन है और इसका मुझे सम टाइम खौफ महसूस होता है कि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो हम नहीं मुतहमल हो सकते। आप क्या कहते हैं, कैसे इससे निपटना चाहिए, बेहतर सुलझा हुआ माहौल जिसमें इसको संभाला जा सके इस चीज़ को? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर उसके बहुत करीबी साथी लाइक चीफ ऑफ स्टाफ वो अगर फौज पाकिस्तान को बगावत के ऊपर उकसाते हैं तो मेरे ख्याल में किसी को जो है ना उनकी पार्टी को किसी को उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए और ना ही इस तरह की कोई कोशिश उनको करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखें अगर पाकिस्तान का मफाद सामने हो रखता तो उन्होंने ये जो IMF लोन्स का जो मामला है उसको उन्होंने मेरे ख्याल में सबोटाज करने की कोशिश अगर की है तो वो बिल्कुल गलत है, और ना सिर्फ फौज पाकिस्तान बल्कि मेरे ख्याल में पूरी कौम को इसके ऊपर हैरत हुई है। साथ ही इनकी जो सोशल मीडिया टीम है जो उनके खुद कहते हैं कि साइबर वॉरियर्स हैं वो कंटिन्यूसली मेरे ख्याल में तमाम इदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं और खुसूसन अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, उसका मेरे ख्याल में एक कलेक्टिव रिस्पांस होना चाहिए, उसका एक डिफेंस होना चाहिए। आपको मालूम है कि उसमें फॉरेन एलिमेंट्स भी शामिल है, ये जो FIA ने अभी इन्वेस्टिगेशन की है तो 8 से 10 अकाउंट्स जो है वो इंडिया से चले थे, कोई 33 अकाउंट जो है वो दूसरे ममालिक से चले थे और बाकी ये PTI के साइबर वॉरियर थे। तो ये तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं ना, उनको हाथ डालना आपके लिए आसान है, मैं कभी हम ही नहीं हूँ कि आप उनके ऊपर हाथ डालें, मेरा सवाल उससे बड़ा है। आपने अभी एक बात कही, आज डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया, उन्होंने इमरान के बयान को डिफेंड नहीं किया, लेकिन वो सदर पाकिस्तान है, उन्होंने एक दरमियाना रवैया अख्तियार कर लिया। लेकिन क्या आप शाह महमूद कुरैशी से, असद उमर से, उनसे तवक्को रखेंगे कि वो अपने आप को इमरान खान के इस बयान से डिस्टेंस कर लें? उनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल रखता हूँ कि जो भी सीरियस मोहब्बे वतन उनके पॉलिटिकल लीडर हैं जो साथी हैं उनको तो ओपनली मेरे ख्याल में अपने आप को डिसोशिएट करना चाहिए, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ये जो उनके बयानात हैं उनको वापस लेने की ज़रूरत है।
अगर ये वापस उनको नहीं लेते हैं तो देखिए मेरे ख्याल में इनको खुद एक पॉलिटिकल प्राइस इवेंचुअली पे करनी पड़ेगी, और ना सिर्फ उनको बल्कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को, जो कि किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। और इस वक्त के इस तरह के जो बयानात है पाकिस्तान के दुश्मन जो है, और वो प्राइस क्या हो सकती है, वो तो बहुत खुशियां मना रहे हैं। पाकिस्तान के इदारों को एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, आपके ख्याल में वो क्या कीमत है? नहीं, पाकिस्तान के इदारों को नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खुद पीटीआई को, और इसमें पाकिस्तान की बदनामी हो रही है ना, तो एक पॉलिटिकल कॉस्ट एक तो उनको बेयर करनी पड़ेगी, और साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे इदारे हैं उन सब की बदनामी हो रही है, तो मैं उसका जिक्र कर रहा था, और साथ साथ मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए पाकिस्तान के दुश्मन खुश हो रहे हैं इसके ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि जुबैर साहब, जब आपकी जमात जो थी वो जनरल बाजवा का नाम लेती थी या जनरल फैज का नाम लेती थी, तो पीटीआई और ख़ुद इमरान खान जलसों में बैठ के बड़े सख्त अल्फाज आपके लिए चुनाव किया करते थे। आप तो रखेंगे कि इस वक्त शाह महमूद उठें और असद उमर उठें और अपने आप को इन बयानात से, जो फ़ौज के अंदर एटलीस्ट तकसीम वाले या बगावत वाले जो बयानात हैं, अपने आप को उससे दूर कर लें? देखें, हमारे यहाँ इंटरनल डिबेट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उस वक्त भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और आपको भी पता है कि हमारे बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जिनके उस वक्त भी समझते थे और अब भी समझते हैं कि हमें किस हद तक जाना चाहिए और किस हद तक नहीं जाना चाहिए। इमरान का जो केस है ना, इस अ वेरी डेंजरस केस। फन एक तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फौज पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, दूसरा और विशियसली अटैक कर रहे हैं, और उनको गैर मुहिब्बे वतन जनरल्स के उनमें से नहीं बनाना चाहिए। दूसरा वो नेशनलिज्म को इन्वोक कर रहे हैं, और तीसरा जो सबसे ख़तरनाक है वो इस्लाम को इन्वोक कर रहे हैं, इस सारे अपने नैरेटिव को बिल्टअप करने के लिए। वो उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जो कहीं जिक्र नहीं है, वो हदीस कह के कोट करते हैं जिसका कहीं जिक्र नहीं है। कलमे का मतलब, वो कलमे का मतलब, वो हर चीज़ में, कब्र में जब जाएंगे क्या मतलब, आप सोच सकते हैं कि कब्र में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप न्यूट्रल क्यों थे, मतलब आपको इंतहा है। अच्छा, ये अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे पीटीआई को वोट देंगे या नूली को वोट देंगे? अभी आप मुझे ये बताएं, फिर एक इस हद तक जिस तरह शहरयार अफरीदी वगैरह हैं कि एक तरफ उसकी यजीद की फौजें और एक तरफ हुसैन की फौजें, मतलब वी आर, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप हमारे से डिसएग्री कर सकते हैं, आप हमें अटैक कर सकते हैं, सो इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस गेम। इसका फॉल आउट क्या होगा, नन ऑफ अस नोज अबाउट इट। इसका क्या हाल है कि जी उसको पकड़ के अंदर बंद कर दें, क्या करें, मुझे नहीं पता, बट इट इज़ अ वेरी डेंजरस गेम, बिकॉज उसने इस्लाम को भी बीच में ले आए, नेशनलिज्म को भी ले आए, और पॉलिटिक्स को भी बीच में ले आए, और एस्टैब्लिशमेंट को भी। ये परीक्षा यही वो कॉम्बिनेशन है जिससे मुझे डर लगता है कि कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट सीन ना हो जाए जो पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता इस मौके के ऊपर। आप अपनी सियासत को झाड़ करार दे दिया, दूसरों की बेवतन क्वेश्चन करने लग गए, आपको डर लग रहा है, शायद हमें भी डर लग रहा है, उनको ये डर नहीं लगता, उनका ये एम और ऑब्जेक्टिव है तीन, तो आपने कब, किस वक्त आपने कहा पाकिस्तान के तीन टुकड़े हों, पाकिस्तान पर अटैक, आई मीन दीज आर, आपका कोई इस लेवल पर बैठा लीडर ऐसे मुँह से नहीं बातें निकलती, खैर बातें तो मुँह से ही निकलती, मुँह से बात निकल गई भाई, कैसे निकल गई, क्या आपको नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, क्या आप अपनी मीटिंग्स में डिस्कशन नहीं करते जिसके बाद ये बातें बाहर आपके नुमाइंदों को टास्क किया जाता है कि जाके ये बातें करें? मैं तो जनरल साहब से ये भी पूछूंगी, बाकियों को तो मतलब जो हमारी डोमेन में वो तो हम देख लेंगे, तो इनके अपने इदारे के कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो इस तमाम मुहिम में हर 5 मिनट बाद FIA ने एक्शन किया, फिर भी ट्विटर ट्रेंड चलता है आर्मी चीफ के खिलाफ हर 5-10 मिनट बाद, तो जो इनके इदारे में वो लोग जो इसमें खुल के इनके साथ फूट और तकसीम को हवा दे रहे थे, तो उनके उनके लिए भी तो देखिए उनको फिर खुल के सामने आना चाहिए ना, वो अगर खिलाफ हैं तो अपनी मरात वापस करें, उन पेंशन्स ना लें, क्यों खाते हैं फिर उस इदारे से, और रकबे वापस करें, उस पर हम उगाते हैं गंदम शंदम अपना, हमारा वैसे भी फूड उनके मेडिकल, उनके जो फौज के अंदर ही अगर फूट डलवानी है, फौज के चीफ को गालियां निकालनी है, तो फिर जो मरात ली हुई है सारी वापस करें ना ले। जनरल रजा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है मेरे ख्याल में, इसके ऊपर आपको राय देनी चाहिए। देखिए मैं इसका जवाब, जी मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो रिस्पॉन्स है ना इस तमाम चीज़ का, क्योंकि ये एक इशू पॉलिटिकल है, तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो तो स्ट्रेटजिकली पॉलिटिकल होना चाहिए और जुडिशल होना चाहिए, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया। अच्छा, जहाँ तक रिटायर्ड कुछ लोगों का ताल्लुक है कि वो किसी ट्रेंड को सपोर्ट करते हैं,
तो ये उनका हक है, वो जाएं। वो अगर फॉर्मली किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो करें, उसके ऊपर कोई मजायका नहीं है। जो लोग रिटायर होते हैं 2 से 3 साल जो है वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, और ऐसे लोग जो कि उसके बाद जो है वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये इजाज़त नहीं होती कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक वो किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन के, पर्टिकुलरली अपने इंस्टीट्यूशन को बदनाम करें और बगैर किसी सबूत के करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री लॉ एप्लीकेबल होता है, और उसके उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी हो सकती है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कई ममालिक में ये क्या हुई है किसी के खिलाफ। तो ये उनको उनको मालूम है। चीफ के खिलाफ जो ट्रेंड चले वो काफी नामुनासिब थे। आर्मी चीफ के ऊपर जो ट्रेंड चले या कुछ ऐसी चीजें चलाई गई वो नामुनासिब थी। तो क्या कुछ ऐसे ऑफिसर्स आपके हैं रिटायर्ड जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो? खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। देखें, हाँ देखें, अगर मुझे तो डिटेल उसकी मालूम नहीं है, लेकिन अगर किसी ने इस तरह के काम किए हैं और उनका सबूत जो है मुहैया हुआ है, तो एक तो ये कि अपने जो है ना डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई हुई होगी, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में जो डिफेमेशन के लॉज हैं वो भी उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, और मेरे ख्याल में जुडिशरी में भी जो है ना इनके खिलाफ केसेस जा सकते हैं, लीगली उनको हैंडल किया जा सकते हैं। ठीक है, उसमें उनको अपने दिफा का भी हक है, और अगर उन्होंने नहीं किया, अगर वो समझते हैं कि नहीं ये तो सर, मैं एक बात आपकी इजाजत से जनरल दादा, फौज को हमेशा कहना चाहिए कि आपका सियासत से ताल्लुक नहीं है, प्रोफेशनल आर्मी है, हम आपको सलूट करते हैं, हमारे बेटे हैं, हम आपको सलाम करते हैं, आप पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं, लेकिन सियासी मामला से दूर रहें। लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन करना और फौज के अंदर फूट डलवाना ये खिदमत नहीं है। मैं तो जुबैर साहब इसके ऊपर एक बाकायदा एक लाइन ड्रॉ कर चाहता हूँ कि आप करें, आप पार्लियामान में भी बहस करें, फौज को ये कि आप सियासत में माताएं, हुकूमत बनाना गिराना आपका काम नहीं, लेकिन उस पर फूट डलवाना पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। उसको गैर मुहिब्बे वतन मीर जाफर सादिक कहना पाकिस्तान की तारीख में जब से मुझे जो तारीख का बहुत से ऐसे वाक़ात हैं जिसमें चैलेंज किया फौज को मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स ने, फ्रॉम मुजीबुर्रहमान टू, बट फूट कभी किसी ने नहीं डलवाई। ये फर्स्ट टाइम है कि एक बाकायदा एफर्ट करके फूट डलवाई जा रही है, कि पिच किया जा रहा है आप फौज की करंट लीडरशिप को अगेंस्ट। देखे ना इस किस्म की चीज़ें, जिस तरह शहबाज गिल ने, आपको याद है कि एक लेटर था जो जावेद हाशमी ने शेयर किया था कि किसी ने लिखा था, तो उनको 4 या 5 साल तक जेल उनको हुई थी। He just read out that letter. अभी डायरेक्ट अपील की जाए की गई है, और ये फूट डलवाना, इट इज, मैं तो कह रहा हूँ जितनी चीज़ों का भी, अब ये कह रहे हैं इमरान इज बिलीविंग इन अ वे राइटली सो, कि ये जितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने ये बयानियाँ बनाया है, चाहे उसमें इस्लाम है, नेशनलिज्म है, जो भी है, गद्दारी और खुददारी और ये सारा, इट इज़ पेइंग हिम डिविडेंट्स बिकॉज ही इज़ ऑन अ पॉलिटिकल हाई, और इस वजह से ही विल नॉट गिव इट अप। सो ये तो मेरा ख्याल है, बिल्कुल आपके ख्याल में उनको सियासी फायदा इसी में है कि इस बयानिए से वो खेलते रहे। भाई देखे ना, पंजाब में बाय इलेक्शन हुए, 20 में से 15 सीटें जीत गई, कराची में बाय इलेक्शन हुआ जिसमें कैंडिडेट ने आना ही नहीं था, तो फिर लोग उनके इन बातों को ओन कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। अब ये है, अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि जो पार्टी हुकूमत जो दूसरी तरफ है, जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल है एंड सो ऑन, और इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो एक काउंटर नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करें टू आइडेंटिफाई कि ये दिस इज नॉट अ पॉपुलिस्ट नैरेटिव। बहुत एक खतरनाक सूरत हाल है, इसको हम बड़ी आसानी से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी तकसीम है माशरे के अंदर, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि इसको दोबारा ब्रिज करने लगेंगे ना तो आपको 20 साल लग जाएंगे, और अगर आप इसको यहीं छोड़ेंगे तो फिर ये माशरे को और मुल्क को उस हद पे ले जाएगी जहाँ फिर करें क्या बस इसको देखिए, फिर एक्शन तो कुछ करना पड़ेगा, या खुला छोड़ेंगे तो जो हो रहा है उससे ज़्यादा। कल मैंने आपको कहा जितनी लाल लकीरें खींचेंगे ये उनको फांदेंगे, जब तक आप इनका हाथ नहीं पकड़ के रुकेंगे। अब तो ऐसे ही है कि ये हमारी में से किसी लीडरशिप ने कहा होता तो क्या होता ना, लेकिन कार्रवाई करना भी आसान नहीं। ख्वाजा आसिफ ने शायद कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन क्या कार्रवाई नहीं, तो फिर क्या किया जाए, फिर छोड़ दिया जाए, मुझे नहीं मालूम। रजा साहब, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप कोई बता सकते हैं क्या कार्रवाई की जा सकती है या होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि उनके हर पोलिटिकल स्टेटमेंट का मेरे ख्याल में
जवाब देना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। अगर वो कोई थ्रेट देते हैं तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल काउंटर थ्रेट हो सकते हैं, अगर कोई वो गैर आइनी बात कर सकते हैं तो उनके ऊपर केसेस बन सकते हैं, उनके अगेंस्ट मतलब जुडिशरी में केस जा सकते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस जो है ना, अगर वो आप अडॉप्ट कर लें तो मेरे ख्याल में ये हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। जुबैर साहब, क्लोजिंग में आप ही क्या क्या इकदाम लिए जा सकते हैं, डूएबल क्या पॉलिटिक्स में डूएबल को आपने गौर करना। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, लीगल वीगल का तो हमें इस बेसिस पर कि जी उनके साथ पॉलिटिकल फाइट करने के लिए लीगली उनको कॉर्नर किया जाए, आई डोंट एग्री। इमरान को लीगल ऑन इट्स ऑन, बिल्कुल लीगल ऑन इट्स ऑन। किसको आपने आज तक कभी, जिसको भी आपने लीगली बंद करने की कोशिश की है, वो कुछ भी नहीं हुआ। सो द ओनली वे आउट फॉर द अदर पॉलिटिकल पार्टीज इज टू फाइट पॉलिटिकली एंड बीट हिम इन द पॉलिटिकल एरिना, देयर इज नो अदर। सियासी बयानियां लेकर आए मोहम्मद जुबैर साहब, पलविशा खान और जनरल रजा खान, आप सबका बहुत इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।